हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे वाइल इंडिया लिमिटेड की तरफ से न्यू बहाली निकल कर आ रहा है। इससे पहले 535 के लिए बहाली निकला था और ये रिक्रूटमेंट न्यू है। वो वाला बहाली में आप सभी को मैं टर्म एंड कंडीशन बता ही दिया, तो यहाँ पे भी सेम टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगा गया है और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है यही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेंगे आसाम के, ठीक है। जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जोरहाट है, नागांव है, कामरूप है, नलबाड़ी है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। परमानेंट जॉब है आप लोग का वाइल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे सीट जो है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल का है और यहाँ पे टेंथ और आईटी पास रहना चाहिए 2 ईयर का इलेक्ट्रिकल में और आप लोग का लाइसेंस रहना चाहिए। पे स्केल आप लोग का 26,600 से 90,000 है। टोटल सीट आप लोग का 18 है। वहीं पर असिस्टेंट टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन है तो यहाँ पे आईटी पास रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में और यहाँ पे टोटल 2 सीट है। वहीं पे फिटर का सीट यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिटिंग ट्रेड का और टोटल यहाँ पे 14 सीट है। तो यहाँ पे आप मैं आईटी वालों को बता दिया हूँ, डिप्लोमा वालों के लिए वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। एज लिमिटेड यहाँ पे देख लीजिए, जनरल के लिए 18 से 30, एससी एसटी वालों के लिए 18 से 35, ओबीसी वालों के लिए 18 से 33 साल है। आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी होगा आप लोग, उसके बाद देन आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। कहाँ कहाँ से पूछेगा, ट्रेड का 60% और नॉन टेक का 40% आप लोग को पूछेगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 है। 2 घंटे का आप लोग का समय दिया जाएगा। अब देखिए इस बारे में यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट मतलब कि जो नंबर है वो मांगेगा और डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो आप लोग ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ फॉर्म कब से कब अप्लाई करना है। देखिए ये फॉर्म आप लोग को 1/9 से 21/9 के बीच में आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। गाइस फीस आप लोग को 200 रुपया लग रहा है जनरल ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस ये था इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूँगा। और आप लोग देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया के नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जो पिछला बहाली है सेम वही टर्म एंड कंडीशन इस वाले में है। धन्यवाद।